यातायात महादिवस गंगा बैराज में ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजवीर सिंह परिहार की अगुवाई में चला सघन चेकिंग अभियान। चेकिंग के दौरान UP78DW0011 नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी, जिस पर विधानसभा सचिवालय का पास लगा था, पास सन 2015 का बताया जा रहा है। सघन चेकिंग के दौरान इसे उतारा गया और चेतावनी दी गई। गाड़ी पूर्व विधायक के नाम रजिस्टर्ड है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका IPN में। आज हमें उत्तर प्रदेश के कानपुर के गंगा बैराज में, जी हाँ, गंगा बैराज की हम दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए किस तरह से चेकिंग अभियान चला जा रहा है। SP ट्रैफिक बसंत लाल के आदेशों के दिशा निर्देशों का गंगा बैराज का ये पॉइंट देखिए हम दिखाएंगे। कैमरा मैन सेंगे थोड़ा उस तरफ भी घुमाए। देखिए यहाँ पे किस तरह से चौकन्ना व्यवस्था चल रही है और यहाँ लगातार चेकिंग अभियान जारी है, जिसमें TI परिहार जी, अभी उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पे चेकिंग किस चीज की चल रही है, क्या है, क्या प्रकरण, क्यों चेकिंग चल रही है, और ये गाड़ी को भी हम दिखाएंगे। देखिए TI साहब की गाड़ी खड़ी है और यहाँ चेकिंग अभियान जो है हमें लग रहा है काफी देर से चलाया जा रहा है, और इसका पूछेंगे किसके दिशा निर्देशानुसार ये चेकिंग चल रही है और क्या है, किस तरह का, ये देखिए किस तरह से यहाँ माहौल बना हुआ है चेकिंग का। और लगातार जो ये बैराज जो है पूरा एक पुलिस विभाग के स्टाफ से चार ओर देखिए घिरा हुआ है, और ये देखिए लगातार यहाँ पे गाड़ियों की चेकिंग जारी है और यहाँ लगातार रोका जा रहा है। अभी TI साहब से बात की जाएगी, यहाँ पे चेकिंग किस चीज की चल रही है, क्या है यहाँ पे, किस तरह का, किसके दिशा निर्देशानुसार ये जो चेकिंग है चलाई जा रही है। ठीक, आप बताइए ये सर क्या चेकिंग का क्या हुआ, कितने चालान कर चुके हैं, चालान करना केवल मकसद नहीं होता। जी जी जी, हमारा मकसद है लोगों को पुलिस सड़क पे दिखनी चाहिए। जी जी जी, और उनके मन में ये होना चाहिए सुरक्षा की भावना कि रात में भी पुलिस आपके सहयोग के लिए खड़ी है, और हम लोग गाड़ियों में ये देख रहे हैं कि कोई गलत आदमी तो नहीं जा रहा है, ड्रंक एंड ड्राइव का मामला तो नहीं है, क्योंकि सर्दी है, लोग शराब पी करके वाहन चलाते हैं गलत ढंग से, और क्योंकि ये शहर को दूसरे जिले से जोड़ने वाला रास्ता है। ठीक है, तो यहाँ से लोग कई प्रकार के संदिग्ध लोग भी निकलते हैं, तो पुलिस चेकिंग ये आम हमारी कार्रवाई है जिसको हम प्रतिदिन करते हैं और कोई खास बात नहीं है। तो ये राजवीर सिंह परिहार जी जो कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, जिनका साफ साफ कहना है कि जो यहाँ चेकिंग चल रही है उसमें कुछ संदिग्ध लोग काफी, क्योंकि ये बैराज जो है काफी ऐसा पॉइंटेड माना जाता है, और यहाँ चेकिंग का इनका मेन उद्देश्य यही है कि जो संदिग्ध लोग, जो अपराधी गति के लोग हैं वो यहाँ से निकले, वो चेकिंग के माध्यम से उनको पकड़ा जा रहा है। मैं मुकेश कुमार, कैमरामैन संजय के साथ इंडियन प्राइम न्यूज से संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट।